हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वुल्वरीन के बारे में, जिसे लेकर फिलहाल तो काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि ह्यूग जैकमैन एज वुल्वरीन रिटर्न आने वाले हैं एमसीयू में। वेल, तो क्या है वो सारे रूमर और क्या है वो कंफर्मेशन, चलिए उस पर एक डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात पता होगी कि डेडपुल 2 फिल्म को डिज्नी की तरफ से PG-13 की रेटिंग्स के साथ रिलीज किया जा रहा है और इसी के साथ साथ इस फिल्म के प्रमोशन भी चल रहे हैं और उन्हीं प्रमोशन को अटेंड कर रहे हैं हमारे डेडपुल यानी रायन रेनॉल्ड्स। और अब डेफिनेटली जब बात वहां पर डेडपुल की होगी तो वहां पर बात वुल्वरीन को भी लेकर की जाएगी, जिस हिसाब से वहां पर हमारे डेडपुल यानी रायन ने ये कहा है कि फ्यूचर में आपको डेडपुल की सोलो फिल्म देखने नहीं मिलने वाली फिलहाल तो जल्दी, लेकिन हाँ डेडपुल टीम अप करता हुआ आपको नजर आने वाला है और वो फिल्म है एक्सफोर्स, और इसी के साथ साथ उस फिल्म में आपको वुल्वरीन भी नजर आ सकता है। यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन नहीं की लेकिन एक हिंट दिया और फिर उनसे पूछा गया कि क्या वुल्वरीन का रोल करने के लिए ह्यूग जैकमैन फिर से रिटर्न आएगा या नहीं, और फिर रायन ने ये कहा कि वो जब भी ह्यूग जैकमैन से मिलते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि कब वो दोनों साथ में फिल्में करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ह्यूग जैकमैन उन्हें ये कहते हैं कि अब कोई भी डेडपुल और वुल्वरीन को साथ नहीं देखना चाहता। वेल, बेसिकली यहाँ पर ह्यूग जैकमैन मजाक के तौर पर ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन फिर ह्यूग जैकमैन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की ये कहकर कि डेफिनेटली आपको वुल्वरीन एमसीयू की फ्यूचर की फिल्मों में देखने मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले केविन फैगी ने भी ह्यूग जैकमैन से मीटिंग की है और शायद हो सकता है कि वो मीटिंग एमसीयू की फिल्मों को ही लेकर हो, जहां पर ह्यूग जैकमैन को एक काफी बड़ी अमाउंट दी जा रही हो कि वो वुल्वरीन का रोल करने के लिए फिर से एमसीयू में वापस आ जाए। लेकिन अब उनके बीच वो कौन कौन सी डिस्कशन हुई है उसकी डिटेल तो ना मेरे पास है और ना ही किसी और के पास, क्योंकि ये सारी बातें काफी प्राइवेट रखी जाती है और अगर इनमें से कोई भी चीज अगर लीक हो गई तो एमसीयू की फ्यूचर की फिल्मों की काफी सारी बातें लीक हो जाती है, जिस वजह से फैंस अपनी थियरी बनाकर एक पूरी फिल्म रेडी कर देते हैं और वो हाल फिलहाल तो अवेंजर्स 4 के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ह्यूग जैकमैन ने ये तो कहा कि वुल्वरीन रिटर्न आएगा एमसीयू में, लेकिन कोई नया एक्टर आकर वुल्वरीन का रोल प्ले करेगा क्योंकि अब वो वुल्वरीन का रोल प्ले नहीं करना चाहते, और मुझे लगता है ह्यूग जैकमैन का ये डिसीजन बिल्कुल सही है क्योंकि लोगन फिल्म में ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरीन को मार दिया गया था और फिर से ह्यूग जैकमैन को वुल्वरीन का रोल देकर कुछ अलग करवाना शायद कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ह्यूग जैकमैन ने जो परफेक्ट गुड बाय किया है वुल्वरीन के कैरेक्टर को लेकर वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सारे एक्समैन की तो कहा यह जा रहा है कि अगर एमसीयू में एक्समैन और फैंटास्टिक 4 को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो सारी के सारी कास्टिंग नई की जाएगी, यानी पुरानी कोई भी कास्ट हमें रिटर्न नहीं नजर आने वाली एमसीयू के अंदर, और इस हिसाब से वुल्वरीन भी उन सभी पुरानी कास्टिंग में आता है। तो अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि ह्यूग जैकमैन एज वुल्वरीन एमसीयू में रिटर्न आएगा या नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।